मुझे ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हम किसके साथ बैठे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, अभी मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं एक रैली में, और कल रात में 3 बजे तक नॉनस्टॉप मीटिंग्स चल रही थी, और ये रोज़ का अफेयर है, और सुबह फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाता है 7 बजे से। सर, ये कुछ एक्स्ट्रा लोड ज़्यादा नहीं लग रहा है आपके पास? मतलब T20 खेलना पड़ रहा है आपको अकेले? नहीं, T20 नहीं है, T20 के लास्ट 2 ओवर्स हैं। मुझे समय ही इतना मिला है कि T20 में भी पूरा खेलने को नहीं मिल रहा। लास्ट 2 ओवर में मुझे लाया गया है और धुआंधार बैटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे चलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब सबसे पहले जो खबर की बात है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी जांच वगैरह चल रही हो सब रोक दीजिए, जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर जो कुछ भी घटनाक्रम घटा, और उनका ये कहना है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्टर जनरल हैं वो सभी जानकारियां सुरक्षित रखें। आप इसको कैसे देखते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना? आप क्या आपको लगता है कि ये एक सेटबैक है आपके लिए, या आपको लगता है कि ठीक है जैसा वो कहते हैं, लेट्स गो अहेड विद इट? नहीं, ये अच्छा हुआ है, एक कमेटी हमने बना दी स्टेट की, तो केंद्र वालों ने उस पर आपत्ति जाहिर की, दूसरी कमेटी उन्होंने बनाई थी, उनकी जो कमेटी है वो उसी आदमी के अंडर है हु वाज सुपरवाइजिंग द होल अफेयर इन पंजाब। तो जो वहाँ सिक्योरिटी के इंचार्ज थे वो ही इंक्वायरी करेंगे तो वो कैसे चलेगा। तो ये देखो, हाई सुप्रीम कोर्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही है, और उन्होंने अच्छा किया है कि वो रोक कर उन्होंने अपने पास ले लिया सारी बात को, और मुझे लगता है इससे अच्छा होगा और सही सामने बात आ जाएगी, क्या कहाँ गलती हुई है, क्या किसकी गलती थी, किसने करना था, क्या हुआ। अच्छा है। आपके अनुसार क्या गलती आपको लगती है, किसकी गलती आपको दिखती है, कहाँ चीज़ें गड़बड़ हो गई? मैं ये कहता हूँ कि हम जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं तो हमें पब्लिक से भागना थोड़ा होता है। अगर बाई चांस पब्लिक आगे आकर बैठ भी गई है इन एनी केस, और आप 1 किलोमीटर पीछे से वापस आ गए हैं, तो इसमें मरने मराने की क्या बात होगी। बात तो सिर्फ इतनी है कि जाना हेलीकॉप्टर से था, बाई चांस एट द मोमेंट एक प्रस्ताव आ गया कि जी बाई एयर नहीं जाएंगे, बाई रोड जाएंगे, तो लास्ट मोमेंट पे आप बाई रोड पे चल पड़े। एजिटेशन, आजकल इलेक्शन है आगे, पहले से भी किसानों का 1 साल एजिटेशन चला है, वो रोड पे बैठे रहे कितनी देर, 1 साल। तो अब कुछ किसान आकर एकदम गांव से निकले और सड़क पे आके बैठ गए, उनको ये भी नहीं पता था कि इस रोड पे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये भी असलियत है। कल उनकी भी स्टेटमेंट आई है जो किसान वहाँ बैठे थे, कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने आना, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों रोकेंगे। और हम तो रैली वालों को रोक रहे थे कि जी हमारी कुछ मांगे हैं, पहले उन वो सुनवाई हो। तो अगर प्रधानमंत्री जी को वहाँ वापस आना पड़ा, दूसरे रास्ते से जा सकते थे या दोबारा हवाई से जा सकते थे, तो इसको इतना ही बात बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। सीम साहब, अब इसमें कहाँ है कि जी उनकी हेल्थ, उनकी जान पे बन आई थी, इसमें कहाँ है कि उनको कोई खतरा था, उनके तो नज़दीक तक कोई नहीं आया। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये इस पे क्लैरिटी आपसे मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीजेपी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हैं, बीजेपी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जो आखिरी में भी, उसमें एक लाइन उन्होंने ले रखी है, वो ये कहते हैं कि जब ये आप कहते हैं कि कुछ समय पहले ही PM ने बताया कि वो रोड से जा रहे हैं, अगर वो रोड से जा रहे हैं तो पंजाब पुलिस को पता था उनका रूट? ये खबर लीक किसने की, पंजाब पुलिस ने की? उनका ये कहना है किसानों को, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहते हैं कि किसान वहाँ पर उनके लिए नहीं बैठे थे तो PM 15 से 20 मिनट तक क्यों रुके? किसान हट जाते वहाँ से तुरंत, पुलिस तो थी अरे उनके सामने। वो तो 1 किलोमीटर आगे थे ना, उनके पास मैसेज जाने के लिए भी 15 मिनट लगने थे ना, तो उनका किसी के पास टेलीफोन नंबर था ना, उनका पता था कि कौन लेकिन आकर वहां पर बैठ गए। पुलिस तो थी वहां पर। अरे पुलिस को भी समय तो लगना था ना, किसी को उठाने के लिए मोटिवेट तो करना पड़ता है कि हटो भैया यहाँ से, तो उनको विश्वास ही नहीं आया कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं। उन्होंने कल कहा ये टेलीफोन पे कि हमें तो ये विश्वास ही नहीं आया जो हमें बोलने आए,
कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर आ भी सकते हैं, हमें उठाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर सर सवाल खड़ा ये होता है, उनको अपनी पुलिस पे विश्वास नहीं आया कि पुलिस उनसे झूठ थोड़ी बोलेगी? नहीं आया, ये है कि पुलिस वाले जब किसी को उठाना होता है सड़क से, 100 तरह के हथकंडे बनाते हैं, लाठी चार्ज भी हो जाता है, गोली भी चल जाती है, प्यार से ही मनाते हैं, 100 बातें इधर उधर की करनी पड़ती, नहीं भैया हम आपको CM से मिलाएंगे, PM से मिलाएंगे। रात को ये रोड रोकी हुई थी, दूसरी भी रोड रोकी हुई थी, मैंने 3 बजे तक लगकर उनको विश्वास में लेकर मोटिवेट करके उनको समझाया कि यार हमारे यहाँ PM आ रहे हैं, हमें ये रास्ते नहीं रोकने चाहिए, ये उनकी रैली है, रैली होने दो। वो PM के लिए नहीं रोक रहे थे, उनको रैली के को रोकना चाहते थे। अच्छा, जो रैली में लोग आ रहे थे उनको रोकना, उनको रोकना चाहते थे। तो रात को उन्होंने मान लिया, BJP के नेता शेखावत जी हैं वो वहाँ थे, उन्होंने भी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर को मिलाऊंगा, वो मान गए, सब धरने उठ गए थे। ये तो जब उन्होंने वहाँ से जाना था, अचानक वहाँ आदमी बैठ गए आकर, तो इसमें कोई भी ऐसी थ्रेट वाली बात नहीं थी, कोई भी जान पे नहीं बनाई थी, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं थी, नेशनलिज्म की कोई बात नहीं है, ये अननेसेसरीली बात को किसी और तरफ घुमाया जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं। आपने जो बोला है, मैं इसको अगर दो चीज़ों को कोराबरेट करूँ, पहला तो वो चाह रहे थे कि PM की रैली में जो लोग आ रहे हैं उनको ब्लॉक किया जाए, लेकिन आपने उनसे बात की, आपने उनको कन्विंस किया कि ऐसा अच्छा नहीं लगता है, आपने उनको कन्विंस कर दिया। अब मैं आपसे मतलब मैं नहीं, पुलिस और ऑफिसर्स ने और BJP के नेताओं ने, हम अकेले नहीं थे, BJP के नेता भी वहाँ थे, वहाँ IB भी थी, वहाँ SPG भी थी, सब लोगों ने मनाया उनको। लेकिन सर क्या गारंटी है कि जब उनको ये पता लग जाए कि PM आ रहे हैं तो बोलेंगे नहीं नहीं अब तो हम यहाँ पे बैठेंगे ही बैठेंगे? क्या गारंटी है? वो क्या पता उन्होंने बोला हो ऐसा कि हम रुकेंगे ही रुकेंगे। 10 मिनट में तो बात करते करते लग जाते हैं, किसी को धरने से उठाना है 10 मिनट में आपको समझाना पड़ता है कैसे, उनकी सुननी पड़ती है ऐसे, इतना तो कैसे? क्या आपको ये लगता है कि वहाँ पर एक थोड़ा सा इम्पेशेंस दिखाया PM की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, और जो उसके बाद स्टेटमेंट्स आए वो एक थोड़ा इम्पेशेंट स्टेटमेंट था, या उसको पॉलिटिकल स्पिन देने की कोशिश की गई? कोशिश नहीं की गई, दे दी है। अरे आपकी रैली में कट नहीं हुआ तो हमारी क्या गलती है? नहीं चाहता कि ऐसी राजनीति होनी चाहिए, फेयर रहना चाहिए। आपकी रैली में कट नहीं है तो आप दिल्ली ही रुक जाते, वहाँ बता देना चाहिए था आपके लोगों को, बठिंडा में रुक जाते। आप समय की गति को बढ़ाने के लिए बाई रोड जा रहे हैं जबकि आप बाई एयर भी जा सकते थे। मौसम खराब बता रहे थे। अरे इतना भी कहाँ मौसम ख़राब था, 2 दिन पहले बताया गया कि जी हमारा जहाज़ बारिश में भी उड़ सकता है, तो उस समय क्यों नहीं उड़ा? अब क्वेश्चन ही उठाने एक दूसरे पे तो बहुत उठ जाएंगे, लेकिन बात को ख़त्म करना हो तो बात सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से गुजरना था और आगे कुछ प्रदर्शनकारी बैठ गए, इसलिए प्रधानमंत्री जी वापस आ गए। पर इतनी बात से आप इसको नेशनलिज्म से जोड़ रहे हो, आप नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहे हो, आप इसको प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से जोड़ रहे हो, आपने प्रधानमंत्री को ख़तरा भी बता दिया, आपने अपनी जान बचा कर जाने की बात कर दी, क्यों भाई? सर आपने जो बताया, आप क्योंकि बोल रहे हैं बात को बढ़ाने की बात है, आज एक स्टेटमेंट आया गिरिराज सिंह जी का, वो कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकती थी, उन्हें मौत के कुएं में फंसाना इत्तेफाक नहीं था। अरे भैया मैं ये भी कह चुका हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री है, मेरे से बड़े भी हैं, मेरे लिए आदरणीय भी हैं। मैं हमेशा, मेरे पिता ने ये संस्कार दिए कि जो आपसे बड़े उम्र में है उनके पहुँच होने चाहिए। मैं यहाँ तक कह चुका हूँ कि मैं अपनी छाती पे गोली खाऊंगा जो उनकी तरफ आएगी। मैं यहाँ इतना कह चुका हूँ कि सबसे पहले पंजाबी आगे मरेगा अगर कोई देश पे आ जाएगी, तो अब मैं नस काट के पड़ जाता हूँ कहीं, जब मेरा खून निकल जाए फिर कह देना यार अब ठीक है। क्या है इसमें, ये लस्सी को इतना रिड़का क्यों जा रहा है? आपको अगर आप किस तरफ देश को ले जाना चाहते हो? सुबह एक्चुअली क्या है, BJP इज़ इन नो गेम, उनकी यहाँ कोई बात नहीं है, वो किसी ना किसी तरह यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हैं और प्रेसिडेंट रूल लगाकर लंबे समय तक यहाँ राज करना चाहते हैं। आपको लगता है ऐसा? प्रेसिडेंट रूल होने वाला है, होने वाला है,
बात को उस तरफ ले जाया जा रहा है। अरे क्या कर रहे हो आप, एक एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव को सही, जितनी जिम्मेवारी मेरी है, जितनी पंजाब की जिम्मेवारी है, पंजाब सरकार की जिम्मेवारी, क्या केंद्र सरकार या केंद्र सिक्योरिटी की उतनी जिम्मेवारी नहीं है? किसी ने आज तक कहा कि SPG का भी लैप्सिस है? किसी ने कहा वहाँ IB थी वो क्या कर रही थी? किसी ने कहा वहाँ इंटेलिजेंस थी हिंदुस्तान की? अगर पंजाब की इंटेलिजेंस फेल हुई है तो क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस फेल नहीं हुई? पूरे हिंदुस्तान की पुलिस, पूरे हिंदुस्तान की BSF, पूरे हिंदुस्तान की IB, इनकी जितनी फोर्सेस हैं, क्या उनको नहीं पता था कि ऐसे नहीं जाना है? तो इसका मतलब इंटेलिजेंस फेल्योर मेरी है, होम मिनिस्ट्री की नहीं है हिंदुस्तान की, CM सिक्योरिटी की नहीं है? अरे क्यों उस्कीज कर रहे हो आप पंजाब सरकार को? सारे ऑफिसर्स को हमारे को नोटिस भेज दिए हैं, क्या ज़रूरत है? हुआ क्या है? हुआ तो कुछ भी नहीं है। कल मुझे क्या आपको ऐसा लगता है कि अरे कल मुझे रोका गया, मैं देखा था, मेरे आगे कुछ लोग आ गए, मैंने उनको पूछा नीचे जाकर, भैया क्या बात है? वो कहते हैं जी हमारी ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा आपने मेरे से टाइम लिया हुआ है कल का, आज क्यों रोक रहे हो? वो हट गए, इतनी ही बात है। आप तो उनसे जाके मिल के आए। मिलना भी चाहिए, मुझे पब्लिक चुनती है, मैं खुद थोड़ो बना हूं। आपने भी ऑफिसर्स का जिक्र किया, मुझसे ये सवाल और हम कल से ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि बंगाल की तरह यहाँ पर भी जो सीनियर IAS ऑफिसर हैं या IPS ऑफिसर, उनको बदल दिया जाएगा? लगता नहीं होने वाला है। हमारे चीफ सेक्रेटरी को नोटिस आ गया है, हमारे DGP को नोटिस आ गया है, 4 SSP को नोटिस आ गया है, DCs को नोटिस आ गया है। अब ये करना क्या चाहते हैं? क्या इलेक्शन को लूटना चाहते हैं या यहाँ राष्ट्रपति राज लगाकर अपना राज स्थापित करना चाहते? करना क्या चाहते हैं? क्या है इसमें, इस लस्सी को इतना रिड़का क्यों जा रहा है? अननेसेसरीली पंजाब को, पंजाब के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। अननेसेसरीली ये पंजाब को एक विलियन की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश में। अरे पंजाब ने तो हमेशा अन्नदाता है, पंजाब पूरे हिंदुस्तान को अन्न देता है। ठीक है, हमारा किसान मेहनत करता है, हमारे पंजाब ने जितनी कुर्बानियां की हैं देश की आज़ादी के लिए, कोई मिसाल ही नहीं है। हमने बंटवारा जो हुआ देश का, पाकिस्तान अलग बना, वो भी झेला है। हमारे कितने लोग गए हैं, हर दूसरे चौथे महीने हमारे एक दो लाशें आ जाती हैं बॉर्डर से हमारे फौजियों की, वो भी पंजाब के मरते हैं। तो हमें क्या करना चाहते हो आप? क्या ये तरीका क्या है? ये जो BJP अननेसेसरीली हर रोज ये हिंदुस्तान में जहर फैला रही है पंजाबियों की तरफ के खिलाफ, ये बिल्कुल गलत है। इस बीच अगर PM का ये स्टेटमेंट आता है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कह देना CM से कि PM जिंदा है, ये टिप्पणी किस पर थी, आप पर, आपकी सरकार पर या पंजाब के अवाम पर? अरे मैं प्रधानमंत्री जी को कहता हूँ कि आप सलामत रहो कयामत तक, और खुदा करे कि कयामत ना आ। क्या बात, मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ। कहाँ उनकी जान पे खतरा है? अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को खतरा है आज, तो हिंदुस्तान में सरकार नहीं रहनी चाहिए, सीधी सी बात है। अरे क्यों इतनी ऐसी बातें करते हो पॉलिटिकल, क्या है इसमें? आपसे अभी तक जो बात की उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नाराज़गी से ज़्यादा दुख हो रहा है और आप हर्ट फील कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? ऐसा है, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, मुझे ये दुख जरूर है कि ये पंजाबियों को और पंजाब को बदनाम करने की कोशिश। मुझे दुख इस बात का है कि इस बात में कुछ भी नहीं है, बात को बढ़ाया जा रहा है। मुझे ये दुख है कि मुझे इसमें वो शरारत दिखती है जो नहीं होनी चाहिए। पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू नहीं होना चाहिए, पंजाब में अमन शांति से इलेक्शन होने चाहिए, देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम सही तरीके से चलना चाहिए। हमारे जो नेता हैं जिन पे हमको भरोसा है, अगर वो ऐसी बातें, ऐसे षड्यंत्र यहाँ होंगे तो ये देश के लिए और हमारे लिए अच्छा नहीं।
क्या पीएम को, मतलब अगर मैं कहूं कि ये सारी समस्या को समाधान निकालना चाहे, क्या पीएम को पंजाब वापस इनवाइट करना चाहेंगे कि आप आओ पंजाब और आप फिर उनसे मिलना चाहेंगे? अरे मैं तो जाकर बुलाने जाता हूँ, मैं तो आज भी कहता हूँ आपका देश है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हम तो एक सिंपल, मैं तो सीएम हूँ सिंपल, लेकिन वो प्रधानमंत्री, उनको खुले दिल से आना चाहिए और हम खुले दिल से उनका स्वागत करने को तैयार हैं। मैंने अमित शाह जी को टेलीफोन करके कहा कि जी हमारी मंत्री वहाँ, मैं खुद आऊँगा उनको स्वागत करने, मैं वहाँ खुद खड़ा होऊँगा। बाई चांस मेरे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको कोविड आ गया, मैंने लिखकर भेजा कि जी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कोविड आ गया, मैं उनके टच में हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से नज़दीक जाऊँगा तो उनकी सेहत को ख़तरा हो सकता है। मेरे में तो इतनी सेंसिटिविटी है कि मेरे साथ कोविड में एक बंदा टच में आ गया तो मैंने लिखकर भेजा कि मैं कोविड के एक आदमी से टच में हूँ, मुझे प्रधानमंत्री के सामने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उन्होंने लिख कर भेजा मुझे कि आप मत आओ, आप वीसी पे ज्वाइन कर लो। आई वॉज वेटिंग एट द वीसी, मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था, मैंने एक दो पेज का ड्राफ्ट तैयार किया हुआ था कैसे उनको वो करूँ, स्वागत कैसे करूँ, मैंने शेर लिख कर रखा हुआ था कि आप आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है कभी हम आप, वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है कभी आप उनको कभी अपने घर को देखते हैं, मैं उनको स्वागत करने वाला था, लेकिन वो और ही बात बताकर चले गए। आपकी मैं देख रहा हूँ आप, मुझे पता लगा आप उर्दू और पर्शियन सीख रहे हैं और वो आपके तलफ़ुज में काफ़ी दिखाई देता है। मिसेस गांधी से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कहना था इस पर? नहीं, मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई, मेरी प्रियंका गांधी जी से बात हुई है। वेणुगोपाल जी का मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी भी प्रधानमंत्री जी के लिए चिंतित है, क्या बात हुई? मैंने उनको सारी बात बताई कि जी उनकी सेहत या उनके पर ऐसी कोई हमले वाली बात यहाँ नहीं थी, ये तो महज एक डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट था जो लोगों ने किया, और वो भी चंद लोग थे, कोई 10-20-25 लोग होंगे, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है। सर एक शंका है, आपने जो कुछ भी कहा, अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ उससे कहीं एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं उनको एक ताकत, या उनको जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में फूड फॉर फॉडर, तो नहीं मिलेगा? अरे भैया ये देखो, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, हम बहुत अच्छे जी रहे हैं पंजाब में, हमारे कोई अशांति नहीं है, वी आर लिविंग पीसफुली, नहीं चलने चाहिए कि हमारी शांति बरकरार ना रहे, हमारे पास टोटल कंट्रोल है हमारी पुलिस का, हमारे स्टेट में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। अगर फिर भी आप चुनाव के आगे गड़बड़ फैलाना ही चाहते हो तो भी हम इकट्ठे रहेंगे, फैलेगी नहीं। सर लेकिन आप बता रहे हैं और मैं हम सब ने वो वीडियो देखा किस तरीके से बैंड जो संगठन है सिख फॉर जस्टिस का, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसने कहा कि ये कल जो कुछ भी हुआ है ये खालिस्तान मूवमेंट की जीत है और ये शुरुआत है। परसों उसने, अरे भैया पतवंत सिंह पन्नू जो भी हैं वो पंजाब में हैं, हैं पंजाब में, वो अमेरिका से कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो हमारा पंजाबियों से क्या संबंध है उसका, वो कुछ भी बोल दे बाहर बैठ कर, यहां तो कुछ नहीं है ना, यहाँ तो शांति है, यहाँ कोई आतंकवाद नहीं है, यहाँ हम आप जा रहे हैं बिल्कुल फ्रीली जा रहे हैं। हाँ आजकल चुनाव है, चुनाव के कारण हमारे जो कर्मचारी हैं गवर्नमेंट एम्प्लाईज, उनकी कुछ डिमांडें हैं, वो चाहते हैं कि जी चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, ये हर क्षेत्र में होता है, हर स्टेट में होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ। लेकिन किसानों का एक साल एजिटेशन चला, पंजाब में तो कोई अशांति नहीं आई, बिल्कुल शांत रहा पंजाब। लेकिन आपको लगता है कि पंजाब अभी सिक्योर है? सिक्योर की बात कर रहा हूँ। अरे वी आर फुली सिक्योर्ड, हमें कोई खतरा नहीं है, ये हमारा खतरा दिखाकर खतरा बनाया जा रहा है, ये है। लेकिन अब एक मिनट, अब चनी साहब लुधियाना में ब्लास्ट होता है कोर्ट के अंदर 23 दिसंबर को, 21 नवंबर को पठानकोट में मिलिट्री कंटोनमेंट में ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, 21 नवंबर 2021 को सर पठानकोट में मिलिट्री कैंटोनमेंट के अंदर गेट पर ग्रेनेड ब्लास्ट। मैं आपको एक बात बता,
नवा शहर में CIA के दफ्तर में 7 नवंबर को धमाका होता है, 15 सितंबर को जलालाबाद में मोटरसाइकिल में ब्लास्ट होता है। अरे कहाँ हुए ये सारे? किस सन की बात कर सर रहे ये हैं? मैं 2021 के फैक्ट्स हैं सब। अरे मेरी बात सुनो, टिफिन बॉम्ब मिलता है फिरोजपुर में। अब हमने यहाँ जितने ड्रग माफिया है उन पे काम करने का शुरू किया है काम। विक्रम मजीठिया पे पर्चा हुआ है, तो जो ड्रग माफिया यहाँ इतनी देर से चल रहा था पहले, उसको कंट्रोल होने लगा है। वो भी एक फोर्सेस हैं जिनको हमने कंट्रोल करना है। उसके लिए मैंने अमित शाह जी से कहा कि हमें सपोर्ट करो, सपोर्ट करनी चाहिए। एक दो इंसिडेंट अगर हो गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हमारे यहाँ शांति नहीं है। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे पंजाब जल रहा है। नहीं सर, मेरा सवाल मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान की तरफ से 150 से ज़्यादा इस साल, खाली इसी साल ड्रोन साइटिंग्स हुई कई जगह, टिफिन बम। मेरी बात सुनो, ज़्यादा दिखाया जा रहा है। अब हमारा 15 किलोमीटर तक BSF का कंट्रोल था, उसको 50 किलोमीटर कर लिया। अगर मैं आज कहूँ कि ड्रोन इसलिए भेजे जा रहे हैं कि हमारे पे यहाँ BSF बिठानी है, तो फिर क्या होगा? क्यों करते हैं? पीछे कोई साजिश दिखती है इसमें? अरे ये अननेसेसरीली पंजाब को कंट्रोल करने की बात है केंद्र की तरफ से। कोई यहाँ ड्रोन का खतरा नहीं, कोई किसी तरह का खतरा नहीं है। हाँ, बॉर्डर स्टेट में हमेशा खतरे रहते हैं, उससे पंजाब हमेशा झेलता आया है, लेकिन पंजाब बिल्कुल सही तरीके से बस रहा है। यहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई लोगों को खतरा नहीं। ये क्या कर रहे हैं कि ये ड्रोन आ गए, ये हो गया, ये वो हो गया, ये दिखाकर हम ये चाहते हैं कि कुछ पंजाबियों को डरा लें और वो वोट BJP को डालें। क्यों डरेंगे पंजाबी? अच्छा एक बात मुझे बताइए, अभी आपने मजीठिया का जिक्र किया, उनको अरेस्ट करने में क्या अड़चने आ रही हैं? मतलब अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे भैया, हमने FIR की है, वो तो अरेस्ट नहीं है। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया यहाँ पर सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, उस सरकार में भी आप थे, आपकी पार्टी की सरकार थी, कैप्टन साहब ने ये 4-4.5 साल में ड्रग्स को लेकर काम ज़्यादा नहीं किया, क्या वजह है? इससे ज़्यादा कोई वजह नहीं है। हाँ, उसके मजीठिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, रिश्तेदारी है, वो उन्होंने अपनी रिश्तेदारी निभाई है। हम नेशनलिज्म वाले बंदे हैं, हमने सूबे और स्टेट और देश का देखना है। जो लोग हमारी जवानी को गाड़ेंगे, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। वो मेरी ड्यूटी है CM, तो मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। जो नशे वाले हैं मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, डांग लेकर पीछे पड़ा हुआ हूँ। एक चीज़ मुझे बताइए, ये आपने अच्छी बात बताई मुझे कि कैप्टन साहब ने कार्रवाई नहीं की इसलिए अब आप हैं यहाँ पर। क्या आपको लगता नहीं है ऐसा कि अभी कांग्रेस के जो हालात है उसमें हर चीज़ जो ख़राब है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नामक एक सैंड बैग है, उसमें पंचिंग कर दी जाती है, उस डर्ट बैग में डाल दिया जाता है? अरे आप एक बात देखो, 70,000 कुर्सी लगी हुई थी, कैप्टन साहब गए खाली कुर्सियों को एड्रेस करके आ गए। जब कांग्रेस में थे ऐसे होता था पंजाब में? तिल एक किनका तरने के लिए भी जगह नहीं होती थी, इतने लोग आते थे। ये फिरोजपुर की कल की बात है। और फिरोजपुर में एक भी नहीं गया, वहाँ भी तो वही कैप्टन है, वही कैप्टन कांग्रेस में था। कांग्रेस में था तो सब कुछ था, आज कुछ भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा लो। प्रगट सिंह साहब हमारे साथ आए थे हमारे कॉन्क्लेव में, उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब को हटाने में डिले हो गया, अगर पहले हो जाता तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होता, आप इससे एग्री करते हैं? हाँ, डिले तो हुआ है, हमने तो काफ़ी कोशिश की, 2 साल से तो मैं ही लगा हूँ। डिले हो गया इसलिए हम उतना नहीं कर पा रहे जितना हमें करना था। कई मुद्दे बच जाएंगे, कई लटक जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे आपको पता है 3 बजे रात सोया था, सुबह से फिर लगा हूँ, आज रात को 2 बजे तक मीटिंगें हैं। आप हर दिन T20 खेल रहे हैं, वो भी लास्ट के 2 ओवर। वो तो है। एक बात बताइए सर मुझे कि इस बार शायद पहली बार होगा जब 4-sided कॉन्टेस्ट दिख रहा है पंजाब में, आप कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को? 4-sided दिख रहा है ये पूरा। मैं अभी इलेक्शन मोड में नहीं हूँ, मैं तो अभी लोगों के कामों में लगा हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं तो अपनी धुन में रहता हूँ, मैं लोगों के काम आना है। इलेक्शन आएंगे तो लोग जिताएंगे, इलेक्शनों की चिंता नहीं है मुझे अभी। आप, मैं क्या कहूँ कि आपको लेकर हम लोग कोई भी, जब आपका नाम अनाउंस हुआ था तो सबने कहा था कि अरे ये कौन है, और जब आप
के नाम अनाउंस होने के बाद जब आपके काम देख रहे हैं तो आप ही के जो अगेंस्ट में थे वो बोल रहे हैं यही है राइट चॉइस। अब मुझे पार्टी में बहुत ज़्यादा इनफाइटिंग चलती रहती है, कभी ये नाराज़ है कभी वो नाराज़ है। कैप्टन साहब के टाइम पर तो ये चलता रहता था कि अफसरशाही हावी है, अब MLAs वगैरह सब खुश हैं। अब ऐसा है, जब मैं बना था 3 महीने पहले तो ये लोग कहते थे यार इसने क्या करना है, अब ये सोच रहे हैं कि इसका क्या करें। हालात बदल गए, जो कहते थे ये क्या करेगा वो कहते हैं यार इसका क्या करें। तो मैं तो अपनी तरफ से एक्चुअली क्या है कि जो गरीबों का पैसा वो गरीबों में जाना चाहिए, जो मिडिल क्लास का पैसा, जो लोगों का, आम लोगों का पैसा वो लोगों को दे। पहले क्या होता है, जैसे अडानी को सब कुछ जा रहा है, अडवानी यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े लोगों को घर पैसा जा रहा है, बादलों के घर जा रहा है, बादलों की हज़ारों बसें बन रही हैं, बादलों के होटल बन रहे हैं, उनके होटलों को बहुत बढ़िया 6 मार्गी सड़कें बन रही हैं, लेकिन आम गरीब को क्या मिल रहा है, मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। हमने उनका पैसा उनको देना शुरू किया है, गरीबों का पैसा अब गरीबों के घर जा रहा है, इसलिए लोग खुश हैं। कुछ भी चेंज नहीं लेकर आया हूँ मैं, आपको बता रहे हैं। मुझे इसीलिए एक सवाल, एक स्टडी आई अभी, आप तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है, बताया जा रहा है कि ये चुनाव खत्म होते होते आपकी सरकार पर 2,82,000 करोड़ का खर्चा आ जाएगा, डेट आ जाएगा। और हम देखते हैं कि सिद्धू साहब कई फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें फ्री देने की बात कर रहे हैं, कैसे होगा ये सब? अरे भैया मैंने कोई कर्जा नहीं लिया है, कर्जा जो है पहले से बोझ उठाया है उसको मोड़ने के अगली सरकार में व्यवस्था होगी सही तरीके से। अभी 1-2 महीने में तो 2 लाख का कर्जा मोड़ नहीं पाऊंगा जी, लेकिन उसकी भी व्यवस्था करेंगे। रोजगार पे क्या? अरे जब मुझे अपना घर चलाना आता है तो मैं क्या सरकार नहीं चला सकता? सरकार भी तो एक घर जैसे ही है, चिड़ी के पहुंचे जिन्ना तो पंजाब है, इतना सा तो पंजाब है, क्यों नहीं चला पाएंगे? और रोजगार? आप देखो हर चीज़ मिलेगी, हर जिले में चीज़ मिलेगी। एक गुरु रविदास का शब्द है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, छोट बड़ो सब सम रहें, रविदास रहे प्रसन्न। मैंने छोटे बड़े का अंतर ख़त्म करना है, सबको समान अंतर रखना है, सबके घर समान जाए, सबको बराबरी मिले, सबको खुशहाली मिले, सबको पढ़ाई मिले। ये नहीं है कि बड़े का बेटा तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, गरीब का बेटे को पढ़ाई ना मिले, ये नहीं चलना। इस पे काम कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में इसी पे करूँगा। थैंक यू, आपका भी हो गया। एक लास्ट सवाल मैं आपसे लूँगा, मैं आप ही का एक शेर है, बस एक लास्ट सवाल लूँगा। आपने कहा था बड़ा अच्छा शेर, आते आते आएगा दिल को करार, जाते जाते बेकरारी जाएगी। सिद्धू साहब की बेकरारी कब जाएगी? कोई ऐसी बात नहीं है, वो शेर में ही लिखा हुआ है, आते आते आएगा दिल को करार, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, जाते जाते बेकरारी जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। क्या आप उनके काम से खुश हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट है, तो मुझे हर हाल में खुश रहना है उनके साथ। डिसिप्लिन पार्टी है तो मैं भी डिसिप्लिन में रहता हूँ। नहीं, लेकिन वो कई बार ऐसा लगता है कि वही मेन अपोजिशन है आपकी पार्टी के, अपोजिशन बाद में आएंगे, वो आंदोलन करने की बात करते हैं, भूख हड़ताल पर जाने की बात करते हैं, क्या ये इससे गलत मैसेज नहीं जाता है? वो ऐसा है कि मैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे से लेता हूँ। क्रिटिसिज्म हर रोज़ बाहर होता है, आज सारी दुनिया में BJP लगी हुई है हमें एंटी नेशनलिस्ट बनाने, लेकिन सच्चाई थोड़ा दूर हो जाएगी, ये दुनिया को पता है कि पंजाबी है जो नेशनलिस्ट है। और ऐसे ही अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ। अच्छा है मुझे मेरे स्टेट को ये बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उतना ही आगे जा रहा है हमारा स्टेट, पब्लिक को पता चल रहा है कि यार ये गलत सोच से इस स्टेट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सच्चे हैं तो सच्चे ही रहेंगे, अल्टीमेटली सच ऊपर आएगा और जितने ये लोग हैं सब दब जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत किया आपने, थैंक यू वेरी मच सर।